औलाद आदम का सबसे बड़ा दुश्मन इबलीस। इबलीस जिसके शर वसवसों से दुनिया का कोई फर्द भी महफूज नहीं रह सकता, बड़े बड़े आबिदों और जाहिदों को भटकाने वाला। इस वीडियो में हम उन्हीं लोगों में से एक इबादत गुजार और मुतकी शख्स बरसीसा के वाकया को जानेंगे, जिसने सारी उम्र तो अल्लाह की इताअत में गुजार दी, लेकिन शैतान ने कुछ ऐसा चाल चला कि वो एक हसीना का दीवाना हुआ और काफिर होकर मरा। इस्लाम की आमद से कबल कौम बनी इसराइल में बरसीसा नामी एक नहायत इबादत गुजार और परहेजगार बंदा रहा करता था। ये एक नामालूम और छोटे से गांव का रहने वाला था। इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी के 60 साल अल्लाह की इबादत में गुजार दिए थे। सारे इलाके में बरसीसा को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता था। एक मर्तबा बरसीसा के गांव के 3 नौजवानों को जंग पर जाने की नौबत पेश आई। इन तीनों की एक जवान और खूबसूरत बहन भी थी, लिहाजा वो अपनी बहन को अकेले छोड़कर जाने पर रजामंद न थे। वो चाहते थे कि कोई ऐसा शख्स हो जो इनकी गैर मौजूदगी में इनकी बहन की देखभाल करे। लिहाजा गाँव वालों ने उन्हें मशवरा दिया कि तुम अपनी बहन को बरसीसा की सरपरस्ती में छोड़ जाओ, क्योंकि वो बहुत मुतकी और परहेजगार है। इस मकसद के लिए ये सब मिलकर बरसीसा के पास गए और उससे लड़की की रखवाली पर रजामंद करना चाहा। बरसीसा ने यह सारा माजरा सुनकर अपनी इबादत में खलल और देगर परेशानियों के सबब उन्हें इनकार कर दिया, लेकिन इस मौके पर शैतान ने बरसीसा के दिल में पहला वसवसा डाला। शैतान ने बरसीसा की नर्म दिली से फ़ायदा उठाते हुए उसे सरगोशी की कि अगर ये लोग तुम्हारी तरह कोई नेक आदमी न ढूँढ सके और इस लड़की को किसी गलत आदमी के पास छोड़ गए तो इस लड़की की जिंदगी खराब हो सकती है और तुम भी इसमें बराबर के जिम्मेदार होगे। बरसीसा शैतान के इस वसवसे में आ गया और अगले ही दिन उसने उन 3 नौजवानों से उनकी बहन की रखवाली की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब वो नौजवान लड़की बरसीसा की इबादतगाह के सामने वाले घर में रहने लगी। शुरुआत में बरसीसा खाने पीने और देगर ज़रूरियात की चीज़ें अपनी इबादतगाह के बाहर रख दिया करता और वो लड़की ये चीज़ें उठाकर ले जाती। एक दिन शैतान वापस आया और उसने बरसीसा के दिल में ये ख्याल डाला कि क्यों ना तुम खाने पीने की चीज़ें लड़की के घर के दरवाजे के बाहर रख दिया करो, इस तरह उसे खुद चलकर तुम्हारी इबादतगाह तक ना आना पड़ेगा और वो लोगों की निगाह से भी महफूज रहेगी। बरसीसा इस बात पर राजी हो गया और खाना पीना उस लड़की के घर के दरवाजे के बाहर रखना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद शैतान दोबारा बरसीसा के पास आया और उसे कहा, क्यों ना तुम ये खाना उस लड़की के घर के अंदर रखाओ, क्योंकि इस तरह वो दरवाजा खोलने और घर से बाहर निकलने की जहमत से बच जाएगी और किसी इंसान की नजर में आने से भी बची रहेगी। बरसीसा को शैतान की यह बात भी बहुत भली महसूस हुई और उसने खाना पीना उस लड़की के घर के अंदर रखना शुरू कर दिया। कुछ अरसा गुजरा तो शैतान दोबारा वापस आया। इस बार शैतान ने बरसीसा से कहा कि वो लड़की दिन रात अकेली रहती है, कहीं तन्हाई से उकता कर बीमार ना हो जाए, तुम्हें चाहिए कि तुम कभी कभी इससे बातचीत कर लिया करो, इस तरह तुम उसे इबादत की तरफ भी रागिब करो और नेकी की तरफ बुलाओ। बरसीसा को शैतान की ये बात भी बहुत पसंद आई और उसने एक दरवाजे के पीछे से लड़की से बातचीत करना शुरू कर दी, लेकिन इस तरह गुफ्तगू करने के लिए उन दोनों को बुलंद आवाज में बात करना पड़ता और दोनों को कोफ्त होती। अब शैतान ने बरसीसा से कहा कि तुम लड़की को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हो और वो खुद भी इबादत की तरफ रागिब हो रही है, तो इसमें हर्ज ही क्या है कि तुम उसके कमरे में उससे ये बातें बताया करो। बरसीसा ने शैतान की ये बात भी मान ली और आखिरकार शैतान उन दोनों को एक ही छत के नीचे लाने में कामयाब हो गया। कुछ दिन इस तरह नेकी की बातें करते गुजरे और फिर उन दोनों के दरमियान आतिश इश्क भड़कने लगी। वो नौजवान लड़की बरसीसा को अपनी हुस्न अदाएं और जलवे दिखाने का कोई मौका जाया न करती। इधर बरसीसा की निगाहें लड़की के हुस्न से न हटती। यूं चीजें बिगड़ती चली गईं और ये दोनों जिना के अमल में मुब्तला हो गए।
कुछ अरसा इसी तरह गुजरा और फिर लड़की हामला हो गई। जल्द ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अब शैतान दोबारा बरसीसा के पास आया और उसे मलामत करने लगा कि ये तुमने क्या गजब किया, ये बच्चा तो तुम्हारे गुनाहों का मुंह बोलता सबूत है। तुम इस बच्चे को कत्ल कर दो वरना इस लड़की के भाई तुम्हें कत्ल कर देंगे। लिहाजा बरसीसा ने उस नौमौलूद बच्चे को कत्ल कर दिया और उसकी लाश को उसी कमरे में दफना दिया जहां वो लड़की रहा करती थी। अपने बच्चे की मौत के बाद वो लड़की गुमसुम और गमगीन रहने लगी। लिहाजा शैतान ने दोबारा बरसीसा के दिल में ये ख्याल डाला कि तुम क्या सोचते हो कि अपने बच्चे की मौत पर ये लड़की खामोश बैठेगी, ये किसी न किसी को इस राज से ज़रूर आगाह करेगी। सो बरसीसा ने अब इस लड़की को भी कत्ल कर डाला और इसे उसके बच्चे के साथ दफना दिया। कुछ अरसा बाद जब उसके भाई जंग से वापस लौटे तो बरसीसा ने उन्हें बताया कि उनकी बहन बीमारी के सबब इस दुनिया से जा चुकी है। वो नाचार रोए धोए और उसके लिए दुआएं मांगी और उसकी कब्र की ज्यारत के बाद वापस चले गए। बरसीसा के तकवा और परहेजगारी की शोहरत ही कुछ ऐसी थी कि किसी ने भी इस पर शक न किया। लेकिन एक रात शैतान उन तीनों भाइयों के ख्वाब में आया और बरसीसा के करतूतों का पर्दाफाश किया और साथ साथ उस जगह की निशानदेही भी की जहां उनकी बहन और उसके बच्चे की कब्र मौजूद थी। सुबह उठकर जब तीनों ने एक दूसरे को यही ख्वाब सुनाया तो उन्हें यकीन हो गया कि यह ख्वाब सच्चा है। चुनांचे तीनों बरसीसा के घर पहुंचे और असली और नकली दोनों कब्रें खोद डाली जहां से उन्हें लड़की और उसके बच्चे की लाश मिल गई। अब ये तीनों इंतहाई गजबनाक हुए और बरसीसा को पकड़कर सजा दिलवाने के लिए बादशाह के पास ले गए। बरसीसा जानता था कि अब उसे कम से कम मौत की सजा मिलेगी। शैतान अब आखिरी मर्तबा बरसीसा के सामने जाहिर हुआ और अब उसने बरसीसा को अपनी असलियत से आगाह कर दिया और ये मशवरा दिया कि अगर वो इस सजाए मौत से बचना चाहता है तो शैतान को अपना आका मानकर उसे सजदा करे। बरसीसा ने मौत के डर से ये अमल भी अंजाम दे दिया और शैतान को सजदा कर बैठा। अब शैतान ने बरसीसा से कहा कि मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो अल्लाह से डरता हूं जो तमाम जहानों का रब है। ये कहकर शैतान चलता बना और बरसीसा को संसार यानी पत्थर मार मार कर कत्ल कर देने की सजा सुनाई गई और इस तरह बनी इसराइल का ये मोमिन और परहेजगार राहिब कुफर की हालत में मरा। हमारे लिए इस वाक़े में बहुत सारे इबरत मौजूद हैं कि शैतान किस तरह एक आबिद और जाहिद शख्स को भी गुमराह कर सकता है। शैतान लंबी तदाबीर करके इंसान को गुनाह के करीब करता चला जाता है। वो एक दोस्त बनकर इंसान को वरगलाता है जबकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। जिस तरह शैतान ने बरसीसा को गलत मशवरे दिए और अपने वादे से फिर गया, अपने गुमराह करने वालों को भी शैतान कयामत के दिन कहेगा कि मैंने जो बोला वो झूठ था और अल्लाह का वादा सच्चा है, मेरा तुम पर कोई बस नहीं था लेकिन तुमने मेरे झूठ पर अमल किया और गुमराह हो गए। इस वाक़े का इशारा कुरान मजीद में भी मौजूद है, लिहाजा ये वाक़या हजरत अली, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, ताऊस, मकातिल बिन हयान और इब्ने कसीर ने मुख्तलिफ अल्फाज के साथ सूरह हशर की इन आयात की तफसीर में बयान किया है और मिसाल शैतान की सी है कि वो आदमी से कहता है कि तू मुनकिर हो जा, फिर जब वो मुनकिर हो जाता है तो कहता है बेशक मैं तुमसे बरी हूँ क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहाँ का रब है।